भारत की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे तो कुचले जाओगे और कानून अपना शिकंजा कसेगा। हम मुल्ला और मौलवियों को आग्रह पूर्वक कह देना चाहते हैं कि नवाजे कराओ, खूब तालीम की शिक्षा दो, लेकिन बता दो कि ये देश हिंदुस्तान है। देश के अंदर माँ बाप की भी ड्यूटी है। आज मुझसे जी एक चैनल पर एक मुल्ला बहस कर रहे थे, मैंने उनको कहा कि माँ बाप नहीं बता सकते कि देश हिंदुस्तान है। ये देश में हिंदुस्तान की जिंदाबाद के नारा लगाना चाहिए कि पाकिस्तान का। और अगर इतना ही भोग सुख तुमको तालिबानियों से मिल रहा है तो अगर अपनी माँ का दूध पिया तो कुछ दिन तालिबान अफगानिस्तान में जाकर रहकर तो दिखाओ, कुछ दिन पाकिस्तान में रहकर तो दिखाओ। अरे ये वो देश है जो तुम्हारी बदतमीजियां सहकर भी तुमको सहारा देता है, तुमको उठाता है, तुम्हारी मदद करता है। इसलिए सुधरो, ये देश की धरती पर मर मिटने वाला आसपास बनो जिससे पूरा देश तुमको सलाम करे। अगर तुमने देश के खिलाफ बदतमीजियां की तो कानून का डंडा और कानून का शिकंजा दोनों कसाएगा और फिर इनको जो बचाने आएगा उन पर भी डंडा चलाया जाएगा। ओबीसी का हो रहा है, ओबीसी ने कहा है कि हिंदुस्तान में भी होता है जो तालिबान में हुआ है वो हिंदुस्तान में भी चलता रहा है। यही दुर्भाग्य है कि जो तालिबान में हो रहा है वो हिंदुस्तान कर नहीं सकता, क्योंकि ये देश मानवता पुजारी है। ये देश में तो रावण को भी सुधरने के राम ने भी 3 मौके दिए, इसलिए हम भी सुधरने के अनेक मौके दे रहे हैं। चिंता मत करो, ये देश ने बहुतों को कुचला है। वक्त आने पर ओबीसी तुमको भी औकात समझ में जाएगी कि देश क्या है।